सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट। नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष महिंद्रा स्वागत करता हूं आपका जीएस के एक विशिष्ट और अनोखे सेशन में। दोस्तों, आपका दिवाली का त्यौहार चल रहा है और ये दिवाली स्पेशल की क्लासेस आपको मिल रही हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग क्या करेंगे, त्यौहार के समय हम लोग कुछ ऐसा सीखेंगे जो हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही अच्छा गया होगा, इंपॉर्टेंस रखेगा और हमें परीक्षा में अच्छे मार्क्स भी दिलाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं दिवाली स्पेशल सेशन और आज हम लोग कुछ नया सीखेंगे। दोस्तों चलिए, सबसे पहले दोस्तों आपके सामने ये मैंने शो किया है जो आप देख रहे हैं, ये आपके सामने है विजयनगर साम्राज्य का राजवंश, इसका आज हम लोग अध्ययन करेंगे। आज हम लोग दोस्तों देखेंगे विजयनगर साम्राज्य क्या था, इसकी स्थापना किसने की, इसके राजवंश कौन कौन से थे और किस सन में किस राजवंश ने शासन किया, और अंत में हम लोग देखेंगे कि इसकी सबसे अच्छी ट्रिक जिससे हम लोग क्या कर सके, इनके राजवंश को याद कर सके, जो कि परीक्षा में कालक्रम में लगाने के लिए आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, विजयनगर साम्राज्य के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। अब ये देखिए दोस्तों, ये पिक्चर मैंने आपको दिखाई है, ये पिक्चर आप देख सकते हैं कितना भव्य साम्राज्य था विजयनगर का, और आप समझिए कि ये इमेज देखने से ही प्रतीत हो रहा है कि इसकी जो आपकी क्या है, इसका जो काल रहा होगा विजयनगर का कितना ज्यादा समृद्ध रहा होगा और कितना ज्यादा सुसज्जित रहा होगा। ठीक है, तो ये मैंने इमेज आपको शो इसलिए की क्योंकि आप लोग क्या कर सके, एक बार अनुमान लगा सके कि कितना अच्छा और कितना सुंदर आपका ये साम्राज्य देखने में लगता था। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप लोग इमेज देखना चाहते हैं और इससे संबंधित, तो आप लोग गूगल पर सर्च कर सकते हैं, आपको इमेजेस मिल जाएंगी। ठीक है, तो साम्राज्य के बारे में हमें जानना चाहिए और बेसिकली इसकी लोकेशन जो थी वो साउथ इंडिया में थी, जो क्या है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जानना महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों हम लोग देख लेते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं, देखिए मैप मैंने आपके लिए शो किया है विजयनगर साम्राज्य का, और मैप में देखिए ऊपर ही लिखा हुआ है दोस्तों, यहां पे आप देख सकते हैं, यहां पे विजयनगर साम्राज्य यहां पे दोस्तों यहां पे लिखा हुआ है, और आप लोग समझ सकते हैं कि यहां पे विजयनगर साम्राज्य कितना ज्यादा विस्तृत है, और यहां पे मैप में जो यहां पे इस तरीके से शो भी किया गया। तो दोस्तों जो वॉयलेट या बैगनी कलर में आप देख रहे हैं, ये आपका क्या है, ये विजयनगर साम्राज्य है, ये देखिए यहां पे ब्लैक से लिखा भी हुआ है। ठीक है, तो विजयनगर साम्राज्य की ज्योग्राफिकल लोकेशन की अगर बात की जाए, तो ज्योग्राफिकल लोकेशन क्या थी, वो साउथ इंडिया थी, और साउथ इंडिया में कहां पर, ये मैंने आपके सामने देखिए यहां पे शो किया हुआ है। ठीक है, ये आप देखिए, ये आपका क्या है दोस्तों, तुंगभद्रा रिवर है, कृष्णा रिवर है, गोदावरी रिवर है और कावेरी रिवर है, और यही टोटल आपका दोस्तों क्या है, ये क्षेत्र जो है आपका क्या है, विजयनगर आपका प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये पूरा देखिए दक्षिण भारत का क्षेत्र जो है ये क्या था, आपका विजयनगर साम्राज्य के अधीन आता था, जो क्या है, जो हमें जानना चाहिए, क्यों, क्योंकि एग्जाम के दृष्टिकोण से जब हम इतिहास का अध्ययन करते हैं तो एग्जाम में ये पूछा जाता है, और विजयनगर साम्राज्य जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और विजयनगर साम्राज्य को हम लोग कृष्णदेव राय के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि वो सबसे आपके प्रतापी और सबसे प्रसिद्ध शासक हुए कृष्णदेव राय। ठीक है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि कृष्णदेव राय विजयनगर में किस राजवंश के शासक थे। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए और उनका काल क्या था ये भी बताइए। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। दोस्तों हम लोगों ने मैप के बारे में देख लिया, अब दोस्तों दिमाग में अपने एकदम क्लियरली बैठा लीजिए कि विजयनगर साम्राज्य की लोकेशन क्या थी। अब दोस्तों चलिए जानते हैं विजयनगर के बारे में कुछ सामान्य जानकारियां। ठीक है, तो देखिए विजयनगर साम्राज्य क्या था ये हम लोग देख लेते हैं, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, सबसे पहला प्रश्न जो एग्जाम में पूछा जाता है, हरियर और बुक्का ने। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहला प्रश्न जो एग्जाम में आपके आता है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, तो हरियर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, तो पहला प्रश्न हम लोगों ने क्लियर कर लिया, संस्थापक कौन थे, हरियर और बुक्का। इसके बाद दोस्तों हम लोग देख लेते हैं किसके नाम पर संगम वंश इसको कहा जाता था, संगम डायनेस्टी किसके नाम पर कहा जाता था, तो आप लोग समझ लीजिए अपने पिता संगम के नाम पर संगम वंश 1336 से 1485 के रूप में इन्होंने क्या की थी, स्थापना की थी। ठीक है दोस्तों, तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरि और बुक्का ने अपने पिता संगम के नाम पर संगम वंश के रूप में की थी। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा, संगम वंश क्यों नाम पड़ा, हरियर और बुक्का के पिता का क्या नाम था, संगम था। तो दोस्तों ये भी आपके एग्जाम के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, और संगम वंश कब से कब तक था ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपका तीसरा प्रश्न हो गया 1336 से लेकर 1485।
तो ठीक है दोस्तों, तीन क्वेश्चन दोस्तों जो हमारे एग्जाम में अभी तक आए विजयनगर साम्राज्य के, वो हम लोगों ने क्या किए, कवर किए। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, चलिए देखते हैं आगे की इंफॉर्मेशन क्या है। अब देखिए विजयनगर का नाम विजयनगर ही क्यों पड़ा, विजयनगर का नाम विजयनगर ही क्यों पड़ा, या विजयनगर का अर्थ क्या है, इसके बारे में भी जान लीजिए। विजयनगर का आप संधि विच्छेद अगर आप कर देंगे तो विजय और नगर होता है दोस्तों, ठीक है। तो विजय का मतलब जीत और नगर का मतलब शहर, तो जीत का शहर जो है यही विजयनगर का आपका अर्थ है। तो विजयनगर का मतलब था जीत का शहर, ठीक है। द लिटरल मीनिंग ऑफ विजयनगर इज सिटी ऑफ विक्ट्री, विजयनगर का शाब्दिक अर्थ है जीत का शहर, ठीक है दोस्तों। तो अभी तक हम लोग क्या करते हैं, इतिहास में पढ़ते तो हैं कि विजयनगर साम्राज्य अध्ययन तो कर लिया, लेकिन विजयनगर साम्राज्य का मतलब क्या है ये भी समझ लीजिए, जीत का शहर या सिटी का, सिटी ऑफ विक्ट्री जो है इसका नाम है, इसका अर्थ है। चलिए अब आगे देख लेते हैं दोस्तों कि विजयनगर राजवंश में कुल कितने वंश आते हैं, ठीक है, क्योंकि एग्जाम के दृष्टिकोण से क्या है, सर्वाधिक रूप से यही महत्वपूर्ण है। और हमें क्या होना चाहिए, हमें पता भी सबसे पहले यही होना चाहिए कि विजयनगर साम्राज्य या विजयनगर राजवंश की हम बात तो कर रहे हैं, विजयनगर डायनेस्टी की बात तो कर रहे हैं, लेकिन उसमें कौन कौन से वंश आते हैं, क्यों, क्योंकि ये क्रम में लगाने को भी पूछा जाता है और इनका काल भी पूछा जाता है और इनके शासक भी पूछे जाते हैं, ठीक है। संस्थापक कौन संस्थापक था, क्या काल था और कब इसकी स्थापना हुई, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं, सबसे पहले द विजयनगर एम्पायर वॉज रूल्ड बाई टोटल 4 डायनेस्टीज, आप समझिए दोस्तों 4 राजवंशों ने कुल शासन किया था विजयनगर साम्राज्य पर, ठीक है। अच्छा चलिए देख लेते हैं, द संगम डायनेस्टी, द सालूब डायनेस्टी, द तुलूब डायनेस्टी एंड द अराविडू डायनेस्टी, समझिए दोस्तों 4 डायनेस्टीज थी, 4 राजवंश थे, याद कर लीजिए। पहला कौन सा था, पहला था आपका संगम वंश, दूसरा था आपका सालू वंश, और तीसरा कौन सा है, तुलु वंश, और चौथा है अराविडू वंश, ठीक है। तो संगम वंश, ठीक है, सालू वंश, तुलु वंश और अराविडू वंश, ये आपके क्या थे, 4 डायनेस्टीज या 4 वंश थे जो विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत हम लोग अध्ययन करते हैं और परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट भी बहुत हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग दोस्तों देख लेते हैं, अब देख लेते हैं कि इसके बाद क्या होता है, इसके बाद इन 4 राजवंश के बाद विजयनगर साम्राज्य का पतन हो जाता है। तो हमारे लिए महत्वपूर्ण क्या है, हमारे लिए महत्वपूर्ण दोस्तों यह है कि कौन कौन से 4 राजवंश थे, मैं फिर से आपको बता रहा हूं। पहला आपका हो गया संगम, सालूव, तुलु और अराविडू। अब टोटल कितने हैं दोस्तों संख्या में, आपको ध्यान रखना है कुल है 4, ठीक है दोस्तों, कुल 4 है, मैं यहां पर लिख रहा हूं नाम। पहला दोस्तों आपका क्या हो गया संगम, इसलिए लिख रहा हूं दोस्तों कि आप लोग याद कर लीजिए। दूसरा आपका क्या है दोस्तों, सालू वंश। तीसरा दोस्तों कौन सा है आपका, तुलु वंश। और चौथा है दोस्तों आपका अराविडू वंश, ठीक है दोस्तों। तो आपके 4 कौन कौन से हो गए, संगम, सालू, तुलु और अराविडू, ये 4 आपकी क्या है, डायनेस्टीज है। इसी क्रम में इनको याद भी कर लीजिएगा, क्यों, क्योंकि आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है और आपके SSC के अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं दोस्तों, अब आगे देखते हैं कि अब क्या होता है, इसके बाद विजयनगर का पतन हो जाता है, मैंने आपको बता दिया। अब देखते हैं दोस्तों जो इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें याद रखनी है, टेबुलर फॉर्म में मैंने आपके लिए शो किया है। तो देखते हैं दोस्तों कि क्या क्या डायनेस्टी थी, क्या क्या शासक थे और कब कब इन्होंने शासन किया। चलिए देखते हैं, सबसे पहले ये देखिए डायनेस्टी मैंने आपके सामने यहां पर शो किया दोस्तों, जो आप लोग क्या कर रहे हैं, जो आप लोग देख रहे हैं। सबसे पहले देखते हैं आपके टेबुलर फॉर्म में, सबसे पहले नंबर 1 पे आपका क्या आ रहा है, सबसे पहले नंबर 1 पे आपका आ रहा है, आप देख सकते हैं संगम वंश, ठीक है। तो संगम वंश आपका सबसे पहले नंबर 1 पे आ रहा है और इसको इंग्लिश में हम लोग संगम डायनेस्टी के रूप में भी जानते हैं। इसका काल कब से कब तक था, 1336 से लेकर दोस्तों 1485 तक आपका क्या था, ये संगम वंश का शासन माना जाता है, ठीक है। चलिए अब इसके संस्थापक कौन थे या फाउंडर कौन थे, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। तो हरिहर प्रथम जो थे इसके फाउंडर थे, ठीक है दोस्तों, एक बार फिर से बता रहा हूं। पहला कि संगम वंश था, संगम डायनेस्टी 1336 से 1485 और फाउंडर थे हरिहर प्रथम, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों देख लेते हैं दूसरा राजवंश कौन सा था, दूसरा राजवंश था सालूव राजवंश, ठीक है, या सालूव राजवंश ही बोल सकते हैं आप इसको, और इंग्लिश में बोलेंगे सालूव डायनेस्टी। और कब से कब तक था दोस्तों, 1485 से लेकर 1505 तक आप इसको सालूव डायनेस्टी के नाम से काल के रूप में याद रखते हैं, ठीक है। तो संगम के बाद सालूव, याद रखिएगा संगम के बाद सालू। इसके बाद दोस्तों इसके जो संस्थापक थे वो कौन थे, सालू नरसिंह देव राय,
ठीक है। तो सालू नरसिंह देव राय क्या थे, इसके संस्थापक थे। ये हमें और आपको क्या करना है, एकदम नहीं भूलना है दोस्तों, क्योंकि एग्जाम में क्या है बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं आगे दोस्तों, अब आगे देख लेते हैं दोस्तों, तीसरा राजवंश जो आता है वो क्या है, वो तुलुव डायनेस्टी या तुलुव राजवंश जो है, ये आपका तीसरा राजवंश है जो विजयनगर के अंतर्गत आता है। और तुलुव डायनेस्टी का काल कब से कब तक था दोस्तों, 1505 से लेकर 1545। तो याद रखिएगा दोस्तों, 1505 से लेकर 1545। अब आप सभी लोग बच्चे लोग बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि कृष्णदेव राय किस राजवंश के शासक थे निम्नलिखित चार वंशों में से, ठीक है, संगम, सालू, तुलुव और आपके अरावदू में से कृष्णदेव राय का शासन किस वंश के अंतर्गत हुआ और उनका काल क्या था, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए अब दोस्तों देख लेते हैं, अगला राजवंश हमारा अरावीडू राजवंश है और अरावीडू डायनेस्टी को कहते हैं, 1545 से लेकर 1565 तक जो है इसका अरावीडू वंश का शासन रहा। और इसके संस्थापक कौन थे दोस्तों, सबसे पहले देख लेते हैं आपके, इसके संस्थापक थे आलिया राम राय। आलिया राम राय ये क्या थे आपके, ये आपके अरावीडू राजवंश के संस्थापक थे और आपके तुलुव राजवंश के संस्थापक जो थे तुलुव नरसा नायक, तुलुव नरसा नायक इसके संस्थापक थे और अरावीडू के आलिया राम राया संस्थापक थे, ठीक है दोस्तों। तो ये हमें क्या करना है, ये हमें याद रखना है। अच्छा ठीक है, अब हमने क्या किया दोस्तों, अब मैंने दोस्तों याद करने के लिए क्या है आपके लिए एक ट्रिक भी बनाई है। अब ट्रिक क्या है दोस्तों, इसको देखिए थोड़ा सा, क्योंकि याद रखना है, क्रम भी याद रखना है और क्रम तभी याद रहेगा जब आप क्या करेंगे, जब आप इसको ट्रिक के माध्यम से दिमाग में बैठा लेंगे, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों देखिए सा और यहां पे सा, तो सास आप याद रखिएगा दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या याद रखना है, संगम और सालू को सास से आप रिमेंबर कर लीजिए। इसके बाद दोस्तों अगले स्लाइड पे आते हैं, अगले स्लाइड पे देखिए आप, यहां पर तू और यहां पर आ, तो आपको याद रखना है दोस्तों सास तू आ आप याद रखिए, ये आपकी क्या है, ये आपकी ट्रिक है जिससे आप विजयनगर साम्राज्य के राजवंशों को क्या कर सकते हैं, बहुत आसानी से याद रख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, ये ट्रिक मैंने यहां पे देखिए आपके लिए मेंशन भी की है, आप सभी बच्चे लोग यहां पर क्या कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं। देखिए ये ट्रिक है आपकी सा तू आ, ठीक है, तो सास तू आ जो है आपकी क्या है, ये आपकी ट्रिक है विजयनगर साम्राज्य के राजवंशों को याद रखने की। अब देखिए कैसे, यहां पे देखिए आपका क्या है दोस्तों, यहां पे आपका संगम है, ठीक है, यहां पे आपका क्या है दोस्तों, ये संगम वंश हो गया। इसके बाद दोस्तों ये आपका क्या हो गया, ये आपका सालू वंश हो गया, ठीक है। इसके बाद आपका दोस्तों टीयू से तू से तुलुव राजवंश हो गया और दोस्तों यहां डबल ए से आपका अरावीडू वंश, अरावीडू राजवंश आपका ये हो गया। ये चार आपके राजवंश कौन से हो गए, ये चार आपके राजवंश हो गए जो विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत हम लोग याद रखेंगे। तो आपके ट्रिक क्या है दोस्तों, सास टू आ आपको याद रखना है, तो यही आपके क्या है, चार राजवंश आपको विजयनगर साम्राज्य के याद हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसी अमेजिंग ट्रिक के लिए जुड़िए महिंद्राज ऑफिशियल से और इस वीडियो को दोस्तों इतना लाइक और शेयर करिए कि मैक्सिमम बच्चों तक पहुंचे और दिवाली के फेस्टिव सीजन में आपके लिए अमेजिंग ट्रिक जो आपको मिल रही है इससे आपके लिए जीएस बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगी। तो सभी बच्चे लोग जो है वीडियो को लाइक और शेयर करिए और मैक्सिमम बच्चों तक पहुंचाइए। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.